लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। 20 से ज्यादा सीटें जीतने की जुगत में लगी कांग्रेस सियासी चौसर पर अपने मोहरे बदलने लगी है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब दिग्गज नेताओं के खाने बदले जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के बदले ग्वालियर से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट में गुना की परिस्थितियां अनुकूल नहीं बताई गई। दिग्विजय सिंह को राजगढ़ की जगह भोपाल से चुनाव लड़ने को कहा गया है। वहीं अजय सिंह सतना को छोड़कर सीधी की राह पर बढ़ चले हैं। दिल्ली में हुई बैठक के बाद नेताओं ने इस तरह के संकेत दिए हैं। राजगढ़ का उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी दिग्विजय के अलावा मंत्री जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह और विधायक लक्ष्मण सिंह पर छोड़ दी गई है। सुंदरलाल तिवारी के निधन के बाद अब रीवा में दूसरे ब्राह्मण नेता की तलाश की जा रही है। पार्टी की सर्वे रिपोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चौंका दिया है। गुना में अंदरूनी विरोध और एंटी इनकम्बेंसी से नुकसान होने की आशंका को देखते हुए सिंधिया अब ग्वालियर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने गुना संसदीय क्षेत्र में फोकस कर रखा था। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद मामला अधर में है। संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी से चर्चा के बाद सिंधिया ग्वालियर से उतरेंगे। तो कांग्रेस के सर्वे ने पूरे सियासी समीकरण बदल दिए हैं। यहां पर दिग्गज नेताओं की सीटें बदली जा सकती हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार गुना की जगह ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अजय सिंह सतना की जगह सीधी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह की राजगढ़ की जगह भोपाल से चुनाव लड़ने की संभावना है। जिस तरह से कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था उसके बाद से सियासी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं की सीटें बदली जा सकती हैं। ये बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की सीटें बदल सकती हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय सिंह और दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है।